काँग्रेसच्या काळात योजना बारगळायच्या तर मोदी सरकारमुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत योजना पोहोचल्या असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे देशाला विकासाची दिशा मिळाली आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय पर्यावरण कामगार व वने मंत्री तथा भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस भूपेंद्र यादव यांनी शनिवारी केले. सेवा और समर्पण के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो यहाँ भी स्थानीय स्तर पर काम हुए, चाहे हमारे यहाँ के प्रमुख हमारे नेता रामसेठ ठाकुर जी के नेतृत्व में एक लंबे समय से सेवा का काम किया हो, लोगों की सेवा की गई हो, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर के लोगों को कोरोना काल में भी सहायता सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया हो, ये काम भारतीय जनता पार्टी आज देश के कोने कोने में कर रही है. लेकिन शासन में रहते हुए भी पार्टी ने जो सेवा का संकल्प किया है उसको लगातार अगर आगे बढ़ाने का कोई एक दिन है जो हमको अपने मन में भी पवित्र होने के लिए प्रेरित करता है तो वो आज का ही दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का दिन है. मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो कुछ विषय भी हमारे स्थानीय विधायक प्रशांत ठाकुर जी और महेश जी के द्वारा किए गए हैं. देवेंद्र जी ने सही कहा है, दोनों अपने आप में बहुत सक्षम है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर हूँ, अगर प्रशांत जी ने जो रेलवे का विषय कहा था, निश्चित रूप से वो रेलवे का विषय हमारे पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र के अभी रेल मंत्री के नाते भी हैं, वो आपके काम को जल्दी ही पूरा करेंगे. जो दूसरा विषय पर्यावरण को लेकर के जो गणेश जी की मूर्ति का विषय है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सीपीसीबी के द्वारा कुछ नॉर्म्स हैं, अगर आपको सेंट्रल सीपीसीबी से कोई बात है तो निश्चित रूप से महेश जी आप आइए, कभी भी आइए, आपका स्वागत है. जो हमारी तरफ से बातचीत होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे. सेवा व समर्पण अभियानांतर्गत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जयंतीनिमित्त रायगड जिल्हा भाजपच्या वतीने खांदा कॉलनी येथील सांगूकाना ठाकूर महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमास महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, सेवा व समर्पण महाराष्ट्र राज्य प्रमुख माजी आमदार राजकीय पुरोहित, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, रायगड जिल्हा संपर्क प्रमुख आमदार योगेश सागर, आमदार रविशेठ पाटील, आमदार महेश पालदी, महापौर डॉ कविता चौतमोल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाळासाहेब पाटील, संजय उपाध्याय, दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष महेश मोहिते, उरणच्या नगराध्यक्षा सायली मात्रे, पेणच्या नगराध्यक्षा प्रीतम पाटील, कर्जत उपनगराध्यक्ष अशोक ओसवाल, माथेरान उपनगराध्यक्ष आकाश चौधरी, उरण उपनगराध्यक्ष जयविन कोळी, ज्येष्ठ नेते वाई टी देशमुख, पनवेल तालुका मंडल अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, विनोद साबळे, महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्ष अश्विनी पाटील, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मयुरेश नेतकर, दिनेश खानावकर यांच्यासह जिल्ह्यातील पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते. कार्यक्रमाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, शक्ती केंद्र, बूथ अध्यक्ष आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते दिव्यांगांना मदत तसेच कुष्ठरुग्णांना धान्य वाटप, स्वच्छ भारत निर्मल भारत अंतर्गत शौचालय लाभार्थी, किसान सन्मान योजना, उज्ज्वला गॅस योजना लाभार्थींचा सन्मान करण्यात आला. तसेच कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या विद्यार्थ्यांना श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून प्रत्येकी 5,000 रुपयांची मदत, त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांचा 10वीपर्यंत शिक्षणाची जबाबदारी मंडळाच्या माध्यमातून घेण्यात आली, त्या मदतीचे वाटप यावेळी करण्यात आले. सेवा समर्पण सप्ताह तर आहेच, पण कोरोनाच्या काळामध्ये सर्वात जास्त सेवा जर कोणी केली असेल या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी केली. रामशेठ ठाकूर यांनी पदरचे 5 कोटी रुपये खर्च करून गरिबाकडे अन्नधान्य नेलं. आज प्रत्येक शहरामध्ये गावामध्ये भाजपचा कार्यकर्ता कोविडच्या काळामध्ये जीवाची पर्वा न करता त्या ठिकाणी लोकांकरता अन्न शिजवत होता, त्यांच्याकडे अन्नधान्याची कीड देत होता, त्यांच्याकडे औषध देत होता, त्याला मेडिकलमध्ये जागा मिळाली पाहिजे प्रयत्न करत होता, त्याला ऑक्सिजन मिळालं पाहिजे हा प्रयत्न करत होता, त्याला रेमडेसिवीर मिळालं पाहिजे हा प्रयत्न करत होता. आमच्या 100 पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांना मृत्युमुखी पडावं लागलं, पण भाजपचं सेवा कार्य संपलं नाही. कारण भारतीय जनता पार्टी आमचे अध्यक्ष नड्डाजी हे म्हणतात की भारतीय जनता पार्टी ही केवळ इलेक्शन जिंकण्याची मशीन नाही आहे,
तर मोदीजींच्या अमितभाईंच्या नेतृत्वात ही सेवा करणारी पार्टी म्हणून आता आपण तयार केलेली आहे आणि या सेवेच्या माध्यमातूनच आम्ही लोकांची मनं जिंकलेली आहेत. मला विश्वास आहे ही सेवा अशीच अविरत सुरू राहील आणि भारतीय जनता पार्टी गरिबापर्यंत शेवटच्या माणसापर्यंत त्याचा अधिकार अशाच प्रकारे पोहोचवत राहील. आज हम रायगढ़ जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आज जयंती का कार्यक्रम है, सेवा के समर्पण के विभिन्न कार्यक्रम हर बूथ पे हो रहे हैं. रक्तदान शिविरों का आयोजन होगा, उसके साथ साथ अलग अलग जगह पर दिव्यांगों को मदद करने का कार्यक्रम जैसे आज हो रहा है आने वाले समय में होगा. पूरे 7 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों की चहल पहल हर बूथ पर होती रहेगी. हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचेगा और उनकी समस्याओं को सुनते हुए केंद्र सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाने का प्रयास करेगा. भाजपा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से उन लोगों को यहाँ पर मदद करने का अपनी ओर से प्रयास करता रहेगा. पर आज आपके यहाँ पर आने से इन हर एक कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, अन्य पदाधिकारी है, इन सभी लोगों को ताकत मिलेगी और ये ताकत लेकर ये कार्यकर्ता बूथ बूथ स्तर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा ऊंचा लहराने के लिए कोशिश करता रहेगा. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो यहाँ पर इस देश के प्रति उनके जो विचार है, इन विचारों को साकार करने के लिए आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरदम प्रयास करते रहेंगे. देवेन जी, आज भूपेंद्र यादव जी यहाँ आए हैं. सर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छत्रपति शिवराय की पदस्पर्श से पुनित होने वाली इस भूमि में आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत. सर, आप आए हैं और यहाँ की समस्याएं हम न बताएं तो लोगों को लगेगा कि सेवा समर्पण के साथ हमारा काम कुछ हुआ नहीं. इसके लिए लोगों की ओर से आपकी तरफ कुछ मांगे हैं. सर, पेण, जहाँ से पेण में अपने आमदार हैं, वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति बनती है. महाराष्ट्र और गणपति ये एक अलग नाता है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मूर्तियाँ पेण में बनती है और पेण में POP मूर्ति से पोल्यूशन होता है पानी में, ऐसा कुछ रिपोर्ट था. तो उसमें इन्होंने जांच करवाई तो POP में कोई मुश्किल नहीं है, वो कलर जो ऊपर होता है उससे पोल्यूशन होता है. तो मेरी विनंती यही है और वहाँ करीब 1 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं जो साल भर गणेश जी की मूर्तियाँ करते हैं. मेरी एक विनंती इतनी है, सर आप एक कमेटी बनाइए जिसमें अगर ये कलर से पोल्यूशन होता है और POP से नहीं होता है और इसका समाधान अगर MOEF को हो जाए तो फिर उनको उनके लिए बैठक लीजिए, उनके लिए जो स्पेसिफाइड कलर देना है वो आप मेंशन करके दीजिए, हम वो बदलाव करने के लिए तैयार है. वो सभी लोग यहाँ आए. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.